नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल सियासी तारखा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बुढ़ापा पेंशन को लेकर। दोस्तों जिन बुज़ुर्गों के पास अपनी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है वो 10 से 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक ढांचे को देखकर आयु का आकलन किया जाएगा। दोस्तों आप पहले भी जानते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो डॉक्टरों की टीम द्वारा जो आयु का आकलन करके बनाया जाता था, जिसके द्वारा बन जाने पर आप जो बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन तकरीबन 2.5 साल तक अभी कोई कैंप नहीं लगाया गया था, जिस कारण से बुज़ुर्ग इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। और अब समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया है कि 10 से 20 अप्रैल तक आपको मेडिकल कैंप में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेडिकल कैंप में भाग लेने के उपरांत आपको एक टोकन दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका नंबर आने पर आपकी मेडिकल जो टीम है उसके द्वारा आपका निरीक्षण किया जाएगा। आपके मुंह, दांत, आंख को देखकर आपकी आयु का अंदाज़ा लगाया जाएगा और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आप बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे और बुढ़ापा पेंशन आपकी बन जाएगी। इस प्रकार यह लाभ पहले भी 2018-19 में 9000 जो बुज़ुर्ग हैं इस प्रकार की योजना का लाभ ले चुके हैं। और अब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके बाद कैंप का आयोजन किया जाएगा और आपको उसके अंदर शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास मेरी आयु को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं है और आप जो कैंप में भाग ले पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।